आपका आप के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे देवा यूनिवर्सिटी के बारे में जी। देवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है और जो ये ग्रुप इंस्टीट्यूट हुआ था 2002 में हुआ था और मैनेज बाय रुक्मणी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। इन 2004 में इट इज़ टेकन ओवर रुक्मणी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बाय पी श्यामा राजू जी ने इसे एक्वायर कर लिया और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिशियल मेल फाउंडेड बेंगलुरु में वाइस चांसलर ये सब दिया गया एकेडमिक स्टाफ 800। तो चलिए डिटेल से जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और आपको बताते हैं। जी तो कुछ इस तरीके से है वेबसाइट। तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट है जी, आप देख सकते हैं। जी होम पेज पे आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम एडमिशन लाइव अप्लाई नाउ। HCMSL CM ऑफ ए यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है और फैकल्टी के बारे में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्ट्स एंड इंडिक स्टडी आर्किटेक्चर आर्ट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस लॉ। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल दी गई है एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग लाइफ एट देवा वो या कम्युनिटी ऑफ 15,000 स्टूडेंट दैट थ्राइव्स ऑन बिल्डिंग द बेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। इसमें फैसिलिटी स्टूडेंट हाउसिंग हेल्थ सेफ्टी क्लब एंड सोसाइटी कैंपस फैसिलिटी बियॉन्ड कैंपस। उसके बाद पैकेज इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हुई है 2012 में एज देवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इज लेस देन इट डिकेड्स। नीचे आप आओगे तो यूनिवर्सिटी क्यों चूज करें उसके बारे में फैसिलिटी दी गई है लॉगिन रिसोर्सेज कैरियर एलुमिनी कॉन्टैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप हैपनिंग यूनिवर्सिटी इज रिसोर्सेज अदर फैकल्टी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी एड्रेस ऑफिशियल मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर ये सब यहाँ पे दिया गया है। और ये राइट साइड में आप अगर कोई भी कोर्स जाना चाहते हो तो उसके बाद में आप कंफर्म कर सकते हो। जी तो यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में है यूजी पीजी डॉक्टरल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट प्रोग्राम। जैसे हमने यूजी प्रोग्राम ओपन किया तो यहाँ पे आ गया बीटेक जितने भी हैं फिर बीकॉम बीबीए वगैरह सारे कोर्सेज आ गए। जितने भी बैचलर के कोर्सेज है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है कितने साल का कोर्स है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरव्यू
सर्कुलर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आउटकम हो गया हैंडबुक, स्पेसिफिक हैंडबुक अपॉर्चुनिटी, फीस है इंडियन के लिए 500 एन आर आई और फॉरन के लिए $50। अभी तो पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी कोर्सेज है वो यहाँ पे है अवेलेबल। फिर पीएचडी का, पीएचडी किन किन सब्जेक्ट में है? यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट पे आप पीएचडी की डिटेल ले सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंट्रेंस एग्जाम का क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी कंडीशन रहेगी, इंटरव्यू, काउंसलिंग, कोर्स वर्क के बारे में बताया गया है। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। फीस के बारे में फिर नोटिफिकेशन, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन, कुछ घंटों का, एक दिन का जी। तो यहाँ पे फैकल्टी के बारे में हो गया, अलग अलग फैकल्टी है जो आपको बताई थी प्रोग्राम में। अब जैसे यहाँ पे हमने की कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की फैकल्टी ओपन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल आ जाएगी जिसे आप ओपन कर सकते हैं। आप जैसे ये है स्कूल ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट या बिजनेस, स्कूल ऑफ कॉमर्स ओपन किया तो कॉमर्स में यही कोर्स होते हैं। अब ब्राउचर चाहिए तो आप देख सकते हो, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो उसी से रिलेटेड कोर्स की पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपको पहले बताई। एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपनी डिटेल या डाउट क्लियर कर सकते हो। एडमिशन ऑफिशियल मेल आईडी दी गई है, ओवरव्यू, और फिर डोमेस्टिक एडमिशन, इंटरनेशनल एडमिशन के लिए अलग अलग कंडीशन है। ओवरव्यू यहाँ पे दिए गए हैं। फोटोग्राफी यूजी प्रोग्राम, पीजी 31, पीएचडी 18 और डिप्लोमा 4। यहाँ पे आ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन करना है। अब जैसे यूनिवर्सिटी का दूर लगता है, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, फिलअप, पे और फिर उसके बाद काउंसलर, पे करने के बाद काउंसलर कॉल करेगा। ये तो पहले होना चाहिए था कि अगर कुछ हो तो फॉर्म या फीस पे करने से पहले इधर सबमिशन होना चाहिए था। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी का दूर है आपको फॉलो करना है, और फिर कैंपस एड्रेस, ऑफिशियल नंबर, इस पे जाके आप पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट, एग्जाम पैटर्न, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी, स्कॉलरशिप, अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप दे सकते हैं जी। तो ये दिया गया है, उसके बाद अप्लाई,
अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग, ये आप जाके चेकआउट कर सकते हैं नीचे। फिर स्कॉलरशिप के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, सिर्फ बताया बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे FAQ दिया गया है, अगर आपको किसी भी तरह के डाउट हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। फिर एग्जाम पैटर्न, उसके बाद प्रोग्राम सेम। तो ये सब है एडमिशन से रिलेटेड। फिर एडमिशन विद इन कंट्री है या आउट ऑफ कंट्री, तो वो उसके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं कॉन्टेक्ट करके। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पर ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, फीस की, वो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। हाउ टू कैन अप्लाई, कैसे आप हाउ कैन अप्लाई, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये सब यहाँ पे दिया गया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। डाउनलोड, अगर प्रोस्पेक्टस या कॉमन ब्राउचर चाहिए तो आप यहाँ पे 2023 का लगा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की क्या क्या फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, एथिक्स, बुक, स्पोर्ट, हेल्थ और यूनिवर्सिटी कैंपस, ये सब है, ये आप देख सकते हैं। अप्लाई नाउ पे, फिर वही चीज़ ओपन होगी जो आपको बताई। ये लॉग इन करके तो ये थे, लॉग इन करके आप मैसेज वगैरह ले सकते हैं। तो ये सब था, अब आते हैं अबाउट अस में, अबाउट यूनिवर्सिटी। जी तो 2012 में एस्टेब्लिश हुई, रिकॉग्नाइज एज ए वन ऑफ द टॉप 50 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। टॉप 50 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर आती, हजार स्टूडेंट कैपेसिटी ऑन कैंपस, एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग। कैंपस एरिया है वो 1,70,000 स्क्वायर मीटर है। जी तो ये थी अबाउट अस। फिर उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट, चांसलर मैसेज, चांसलर है डॉक्टर पी श्यामा राजू जी। उसके बाद प्रो वाइस चांसलर मिस्टर उमेश राजू जी। उसके बाद वाइस चांसलर, ये है डॉक्टर एम धनम जी। और फिर रजिस्ट्रार मैसेज,
डॉक्टर एन रमेश जी। तो ये थे मैनेजमेंट मेन, उसके बाद IQAC कमिटी होगी, डिस्क्लोजर, जो भी आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर आप पद आके आप देख सकते हैं। फिर फैकल्टी एंड स्कूल, कौन सा कोर्स आप करना है, UG PG, जो भी आपको बताए, व्यू ऑल कोर्सेज ये आपको बता ही दिया। उसके बाद एकेडमिक लर्निंग एंड पैडागोगी, डिजिटल जर्नी है यूनिवर्सिटी की 16 में या 5 ईयर प्लान टू डिराइव टेक बेस्ड लर्निंग। स्थान में फाउंडेशन लेड 100% डिजिटलाइज कैंपस 18 से 19 में इस डिजिटलाइज कैंपस बन गया। 19-20 में स्मार्ट क्लासरूम हो गए, 21 में वाईफाई कैंपस हो गया और 200 प्लस स्मार्ट क्लासरूम, टैब बेस्ड एग्जामिनेशन 21 में, ICT डिपार्टमेंट फोकस ऑन डिजिटल एनेबलमेंट एंड सीमलेस वर्किंग 21 में, डेस्क फॉर स्टूडेंट पेरेंट्स क्वेरी, और ये सब यहाँ पे दिया गया है क्या क्या फैसिलिटी। उसके बाद क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड अपर्सेप्ट रेगुलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, नोटिफिकेशन डाउनलोड में आपको दिखा देते हैं, प्रोस्पेक्टस हो गया वो आप ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइफ एकेडमिक फैसिलिटी क्या क्या है, एकेडमिक स्टूडियो, क्लासरूम, काउंसलिंग सेंटर, आउटडोर लर्निंग लैब, लाइब्रेरी, तो ये सब है फैसिलिटी। उसके बाद कैंपस फैसिलिटी, हेल्थ केयर जो भी आपको दिखाई थी। रिसर्च में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के बारे में बताया गया है तो ये आप देख सकते हैं। स्टूडेंट हाउसिंग, स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है तो उसके बारे में है। गर्ल्स हॉस्टल में 900 से ज़्यादा स्टूडेंट है, बॉयज में 1200 से ज़्यादा। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। प्लेसमेंट से रिलेटेड पूरी डिटेल है, ट्रेनिंग हो गया था, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ड्रीम ऑफर 1912, टोटल ऑफर 3512, सुपर ड्रीम ऑफर 136, ड्रीम ऑफर 912 और नंबर ऑफ कंपनी विजिट 345, हाईएस्ट पैकेज 58 का इंटरनेशनल के लिए, डोमेस्टिक में 45, हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइफन 1.25 लाख। कौन कौन से सेक्टर में है ज़्यादा, 57 है IT और ITES और 16 है अदर्स में और BFSI और 11 है FMCG में। उसके बाद एजुकेशनल जो भी गवर्नमेंट सेल होते हैं, जो भी काउंसिल हो या जो भी न्यूज़ की मूवी हो, यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। इंटरनल कमेटी होगी, फिर एग्जामिनेशन, लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिस, तो ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल ले सकते हो, ओवरव्यू, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, पेपरलेस एग्जामिनेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, रिक्वेस्ट फॉर्म, गैलरी, टाइम टेबल, कन्वोकेशन, सब कुछ। उसके बाद हैपनिंग, न्यूज़ वगैरह, अपडेट, इवेंट, प्रोग्राम, एक्टिविटी, मीडिया कवरेज, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर टेस्टिमोनियल, स्टूडेंट रिव्यू,
पेरेंट के एलुमिनी और फैकल्टी करियर के बारे में, कौन कौन से करंट जॉब है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस ऑफ एडमिशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल नंबर, चांसलर और जो भी मेन लीड है, मेन मैनेजमेंट है, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करें, ओवरव्यू, टीचिंग मेथोलॉजी, वुमेन एजुकेशन, इंटरनल स्टैंडर्ड, 360 स्टूडेंट केयर, यूएसआर, और जो भी फैसिलिटी है या जो भी काम कर रही है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लॉगिन में स्टाफ, लॉगिन करना, स्टूडेंट, ईमेल, एम्प्लॉय या ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिसोर्सेज में रिफ्लेक्शन इनसाइड, जो भी सर्टिफिकेट मिले हुए हैं वो देख सकते हैं। करियर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, करंट जॉब देखना चाहते हो, वो है जैसा भी कुछ पिछली टाइम में आपको दिखाया। फिर एलुमिनी कॉन्ट्रैक्टर्स आपको एड्रेस दिखाया। उसके बाद हैपनिंग न्यूज वगैरह, एक्टिविटी, मैच वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ई रिसोर्सेज, लाइब्रेरी के बारे में, ई रिसोर्सेज के बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। अदर में साइट मैप, ब्लॉग, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेट पॉलिसी, डिस्क्लेमर, फीस पेमेंट, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन रजिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में भी आप हैं। फैकल्टी प्रोफाइल है, ग्रीवियंस, एंट्री लैगिंग, ये है फॉरम में, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टूडेंट का है या स्टाफ का है, तो न्यू है, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है तो नंबर है, न्यू है तो एप्लीकेशन, या ये सब डालना रहेगा, यही है कंडीशन है, कहाँ कहाँ से रूट क्या है। फैकल्टी प्रोफाइल, ग्रीवियंस, एड्रेस, एंट्री देगी, बाकी एड्रेस, ऑफिशियल नंबर और सोशल लिंक। जी तो ये थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। होप सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक अगर मिस हुए तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।